आईपीएल 2022 को लेकर सभी टीमें अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। एक ओर 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाले मेगा ऑक्शन को लेकर सभी टीमें टारगेट प्लेयर सेट करने में लगी हैं, वहीं जो रिटेन खिलाड़ी हैं उनके उपयोग को लेकर भी पूरी प्लानिंग बन रही है। इसी बीच सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के पहले रिटेन प्लेयर रविंद्र जडेजा ने चौंकाने वाली बात बताई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेंशन में पूरे 4 खिलाड़ी रिटेन किए। सबसे पहला रिटेंशन 16 करोड़ रुपए में रविंद्र जडेजा का ही था। इसके बाद दूसरे नंबर पर 12 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन किया गया। तीसरे नंबर पर 8 करोड़ रुपए में मोइन अली और चौथे नंबर पर 6 करोड़ रुपए में ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन किया गया। इन खिलाड़ियों के आईपीएल 2022 में टीम में रोल को लेकर एक मीडिया हाउस ने अनुमान लगाया, जिस पर हास्यास्पद स्थिति बन गई है। एक मीडिया चैनल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक लिस्ट पोस्ट की जिसमें बैटिंग क्रम का अनुमान लगाया गया। पहले नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ को, तीसरे नंबर पर मोइन अली को, सातवें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी को रखा गया। इसके बाद आठवें नंबर पर रविंद्र जडेजा को रखा गया। इस ट्वीट पर रविंद्र जडेजा ने रिप्लाई किया और मजाक में लिखा, आठवां नंबर मेरे लिए जल्दी नहीं है क्या, 11वें नंबर पर रखो मुझे। रविंद्र जडेजा के इस रिप्लाई पर तमाम ट्विटर यूजर जमकर कमेंट कर रहे हैं। मीडिया चैनल के इस ट्वीट का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। हालांकि आईपीएल में सीएसके और आईपीएल 2022 पर इस ट्वीट का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।